वाली रंगोली देख के रखी थी। पीड़ा लग गया यार, पीड़ा है ऊपर से। दीदी खराब हो रही थी, इतनी सारी मैंने व्हाइट कलर हटाया। फाइनली रेडी फॉर पूजा, तो ये है मेरा। तुम क्या मोमबत्ती मोमबत्ती खेल रही हो इधर? और फिर नैनू के बच्चे, फिर उसके बच्चे और उसके बच्चे, है ना? Doing great and welcome back to my channel again. Happy Diwali to all of you. तो दिवाली शुरू हो चुकी है, हम भी कर लेते हैं अपना काम शुरू। एंड यहाँ पे बच्चा पार्टी आ चुकी है मेरी हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे लगानी है, उससे पहले मुझे करनी है दोनों रूम की बेड शीट्स चेंज, देन मुझे सोफा कवर्स लगाने हैं, आफ्टर दैट मुझे फ्लावर्स बनाने हैं, उसके बाद दिवाली के स्टिकर्स लगाने एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, शाम को रंगोली भी बनानी है, आज जल्दी बनानी पड़ेगी क्योंकि शाम को होगी पूजा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस रूम की बेडशीट डन, नाउ चलते हैं दूसरे रूम में बेडशीट बिछाएं। टाइम फॉर सोफा कवर्स। तो अब है स्टिकर का टाइम एंड हम कर रहे हैं फिगर आउट कि कौन से डेट पे कौन सा लगने वाला है। ये वाला तो वहाँ बाहर वाले पे लगने वाला है एंड चलो मैं आपको जब लगाऊंगी तब दिखाती हूँ। पहले सबके जो है मैं स्टिकर्स निकाल लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे खड़े होके निकाला नहीं चाहेगा। ये कहाँ लगने वाला है यार, ये कंफ्यूजन। ये लग चुका है ये वाला स्टिकर यहाँ पर। तो ये लेकर आ गया आम के पत्ते जो अभी डेट पे लगे। नैनू बेचारे बीमार है। नैनू हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली करो। नहीं बोलो हैप्पी दिवाली। दीदी बोलो मैं अच्छी हो गई। हाँ सीधा, पर मेरा हाथ नहीं आ रहा तो ये लगा रहा है। ये कौन है? मेरा भाई है। पीड़ा लग गया यार, पीड़ा है ऊपर से पता लग रहा। किचन का एंड ऑल स्टिकर्स आर डन। अब कलश वगैरह लगाने हैं। कलश को तो लास्ट में कलश है। यहाँ पर मैंने फ्लावर्स और जो आम के पत्ते हैं ये लगा दिए। बेसिकली पापा बाजार से लाए थे बने बनाए एंड अभी जो मेन गेट है उसके लिए बनाना है। और मैंने यहाँ पर भी एक फ्लावर बच गया था तो यहाँ पर भी। मैं अभी आम के पत्ते धो रही है और ये इस महारानी को देखो बुखार हो रहा है, खाली पैर में घूम रही है। ये बाहर लगने वाले हैं, ये बने बनाए हैं एंड इसको मतलब बनाना नहीं है, ऐसे सिंपल सिंपल टांगना है गेट के बाद। तो चलते हैं। तो माला वाला बनाने के लिए बैठ चुकी हूँ मैं एंड वहाँ पर लाइन वगैरह चल रही है तो बनाते हैं। धागा डालते हैं सुई में, सुई में डालते हैं। ये डल गया इधर एक ही टेक में, मतलब वेट टेक में नहीं, एक बार में। मैंने छोड़ो यही सुई लग रहा है। कितने करने एक में? ये लंबाई के देखना कितना इस रह गई। तो इतने देर बाद समझ आ गया कि कैसे बनाना है बेसिकली। तो सबसे पहले आई हैव टू मेक अ ब्रांच लाइक दिस। नैनो तोड़ना है पत्ते, तू तोड़ रही है क्या? और फिर इसके बीच में ऐसे घुसाना पूरी बना। यहाँ पर नैनू बैठ के क्या कर रही है? नैनू इसमें कौन खाना खाने वाला है? नैनू और फिर नैनू के बच्चे, फिर उसके बच्चे और उसके बच्चे, है ना? हाँ, तो शादी हो रही।
माला मैंने बना दिया, मैं जा रही हूँ नहाने। अब आंटी लग चुकी है बनाने के लिए, बिकॉज मुझे उसके बाद जो भगवान जी की फोटो है उस पर माला चढ़ानी है, तो पहले नहा लेते हैं फिर करेंगे मंदिर वगैरह का काम। ये देखिए आम के पत्ते की माला रेडी है, मैंने यहाँ टांग दी है, इनको यहाँ पर टांगनी है ताकि ये उलझे ना। अब बनानी है जो फूल वाली है, और ये फूल की माला बनने की तैयारी, पाइप बीच में लगेगा और फिर फूल माला इन द प्रोसेस। नहीं, जिस दिन तुम आम के पत्ते बांधे जा रहे हैं एंड गेंदा के फूल, तो ये लट चुकी है सारी मालाएं। अब चलते हैं अंदर का काम करने, फिर रंगोली भी बनानी है। फाइनली अब जाके मुझे टाइम मिला है रंगोली बनाने का, तो चलते हैं वरना लेट हो जाएगा। पर मम्मी तुलसी में वो लगा रही है मालाएं, या रंगोली चिपका दी। अब यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ ना, सेटअप वगैरह मैंने लगा लिया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज पहले मैंने ये वाली रंगोली देख रखी थी, लेट्स सी कि इसका क्या रूप निकल के आता है। वाइट, ओह शिट यार, वाइट कलर भर गया, ये बनाना अच्छी नहीं आया। इसको ऐसे चम्मच से करने वाली हूँ, काफी अच्छा हो जाएगा, अभी अच्छा नहीं हुआ तो सारा काम भी। रंगोली खराब हो रही थी, इतने सारे मैंने व्हाइट कलर हटाया और अभी ये है स्टेटस। तो समझ नहीं आ रहा था, मैंने ये रंगोली में भर दिया एंड इधर दिए रख दिए हैं गीले करके ताकि अच्छे से जले। फाइनल लुक ऑफ माय रंगोली, फाइनली रेडी फॉर पूजा। तो ये है मेरा आउटफिट फॉर दिवाली, इट्स अ गाउन और इसके ऊपर और कोई गोल्डन सी चुन्नी थी, लेकिन मैंने ये मल्टी कलर वाली ले ली, ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी एंड इट इज़। सो लेट्स गो, पूजा का टाइम हो चुका है। अभी दिए में बाती डाली जा रही है एंड यहाँ पर भाई मंदिर की फ़ोटो खींच रहा है। सो दिस इज़ द मंदिर डेकोरेटेड फॉर दिवाली। लाइट्स ऑफ करने के बाद इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। अच्छा तेज घुमा दिया ना, ये तो हल्का है। यहाँ पर चल रहे पापा का फोटोशूट, मेरी अच्छी नहीं आ रही यार फोटो वगैरह हो रही है, बस अभी ऊपर जाने दिए जलाने के लिए एंड उसके पहले जाना है जिम में, और अभी प्रसाद ही ऊपर वाली आंटी लेके रही थी मिलके। पर भी एज यू कैन सी लाइट्स लग चुकी हैं, फुल ऑन दिवाली वाइब्स खत्म होने वाली है। क्या पूजा वगैरह हो गई, अब छत पे जाएंगे दिए वगैरह जलाएंगे। पर आ चुका है प्रतीक, दिए जलाने के लिए, पता नहीं चल रहा है या नहीं। लुक एट द वाइब, अरे इसमें पड़ा के नहीं है वो है। ओह दिवाली, दीदी हमें इधर रख रहे हैं, तो मैं भी नैनू टू दिवाली ये सब लोग का फोटो बेटा, ये सब जड़ी जलानी है, ये सब बाबू शुरू हो चुकी है जलाना। Look at her. चुकी है कपड़े चेंज करके, मैं बस फुलझड़ी लगा सकती हूँ और कुछ नहीं, और चक्री और अनार बस। बच्चा क्या है और सूत्र मच रहा है, छेड़ दो, लो लो तुम भी लो, पकड़ लो, चल भी भागो। नैनू क्या कर रही है, नैनू चला लगाओ ये, बस मोमबत्ती इसको पटाखे नहीं मिल रहे, बस मोमबत्ती दिए में लगा रही है। लुक एट द लैम्प, सब्सक्राइब कर रहा ना वो भी अनसब्सक्राइब कर, टेढ़ी कर अपनी कर दे, मुझसे कोई डरो मुझसे कोई।
ग्रेट लैम्प। देखते हैं इसका कुछ होता है या नहीं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं इसे उड़ाने की। ये पता नहीं क्या भूत नहीं होगी। ये है नानू की बहन, उधर पटाखे नहीं फोड़ो रही। चलो तुम क्या मोमबत्ती मोमबत्ती खेल रही हो इधर, चलो यार चलो। ओ बुझ गया, मैं तो बुझाऊंगी, सारे बुझाऊंगी, सारे बुझाऊंगी। चलो जला लो। फाइनल इनकी कोशिश कामयाब हुई, गेंद इन्होंने उड़ा दिया। चल रहे हो नीचे, ऊपर का कार्यक्रम खत्म, मुझसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा है, हिल्स पे लग रहा है अब गिरी। बाहर क्या हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग, मतलब पटाखे फूट रहे हैं अपने घर में। यहाँ पर प्रसाद रेडी किया जा रहा है ऊपर देने के लिए। पर खत्म होती है मेरी दिवाली। एंड मैं मेरी इसलिए कह रही हूँ बिकॉज बाहर अभी तक चल रही है, पटाखे वगैरह फूट रहे हैं। एंड यार मैं मतलब अभी थोड़े टाइम आता मैं रंगोली बना रही थी एंड फिर मैं रेडी होने के लिए गई, फिर हमने पूजा वगैरह किया एंड सब अब खत्म हो गया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे, हम फिर से सेलिब्रेट करेंगे इतने ही धूमधाम से। टिल देन हैप्पी दिवाली वंस अगेन। एंड राइट नाउ आई एम हैविंग दिस पफ कॉर्न बिकॉज मीठा खा खा के मतलब पूरा मुँह ऐसे खराब हो गया है, तो मैं खा रही हूँ ये पॉपकॉर्न। एनीवेज इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब कमेंट। बाय।